नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं जैन श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है जैन व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में। एक सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कौन से मोबाइल फ़ोन खरीदने चाहिए और कौन से नहीं खरीदने चाहिए। एक सेक्टर होता है भाई कि बस नया फ़ोन का ब्रांडिंग देखा, एडवर्टीजमेंट चपक्के हो रहे हैं और हमने फ़ोन खरीद लिया, बाद में हम रोते हैं। तो वैसे चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से सवाल हैं वो हमें अपने खुद से करने चाहिए, देन आफ्टर ऑनवर्ड हमें परचेस करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, हो सकता है कि ये मेरा प्रवचन हो आपके लिए, लेकिन बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक की भी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, दोनों पे ही जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं हमेशा आपसे मिल जाता हूँ। कोई भी दिक्कत हो, इश्यूज़ हो, मैसेज कीजिए, जैसे ही मैं देखूँगा आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले कौन से मोबाइल फ़ोन्स हैं जो आपको लेने चाहिए और कैसे लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, मैं सबके ऊपर बात कर लेता हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि आज के वक्त में मार्केटिंग जो हो रही है ना, बहुत तगड़ी हो रही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना कि ब्रांडिंग इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये लोग कंपनीज कर रही हैं आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि हम अट्रैक्ट होकर वो फ़ोन को ख़रीद लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा पीछे आगे क्या है, हमें क्या आगे देखने को मिलेगा, और यही डिमेरिट है जो कि आपको बाद में रोने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि पैसे आपके बहुत ही मेहनत के हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन्स को लेने से पहले तीन चीज़ों को दिमाग में रखा कीजिए। पहला चीज़ ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप एक गेम लवर है और आप ले लेते हैं इन्फिनिक्स नोट 11, तो वो आपके लिए नहीं है, उसकी एडवर्टीजमेंट बहुत तगड़ी हो रही है। अगर आप एडवर्टीजमेंट को देखकर, प्रोमो वीडियोज़ को देखकर कि गेम खेलते हुए दिखा रहा है, आप ले लेते हैं, सर्वर्स को नहीं देखते हैं, तो बाद में आप डेफिनेटली रोएंगे, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मोबाइल फ़ोन का चयन करें, देन आफ्टर ऑनवर्ड आप उसे परचेस करिए। हार्ड एंड मनी है तो, दो नंबर वाली है तो कोई बात ही नहीं है, लेते रहो, फेंकते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी मेहनत वालों का है, तो ये वीडियो मेहनत वालों के लिए ही है। और दूसरी चीज़ जो होती है, आपको सर्विस देखनी पड़ेगी अपने एरिया में, लोकेलिटीज़ में। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने आईफोन 11 परचेस किया था से एक साल पहले, और आईफोन का सर्विस सेंटर है मेरे शहर में, पता था, ले लिया मैंने। आईफोन बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है, नामी काफ़ी है एप्पल का, और फ़ोन को यूज़ करने के भाई डेढ़ से दो घंटे बाद फ़ोन डेड हो गया मेरा। अगर वो सर्विस सेंटर यहाँ पे नहीं होता तो मुझे लखनऊ या फिर दिल्ली जाना पड़ता, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ही एप्पल का स्टोर मिलता है, ऑथराइज सर्विस सेंटर मिलता है। हर दुकान पर आप जाकर नहीं दे दोगे भाई मेरा एप्पल का फ़ोन है खोल के बना दो, नहीं बनाएगा, बना भी देगा तो कुछ ना कुछ चोरी कर लेगा, क्योंकि एप्पल के पार्ट्स बहुत महंगे बिकते हैं। तो अगर वो सर्विस सेंटर मेरे लोकेलिटीज़ में नहीं होता, मेरे सिटीज़ में नहीं होता, फिर मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता, क्योंकि पहले टर्म में डेड हुआ, चेंज हो गया, तब से दो बार और चेंज हुआ मेरा फ़ोन, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आती रही, कभी हैंग हो रहा था बहुत ज़्यादा, हीटिंग इश्यूज़ आ गई। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप परचेस कर रहे हो, जैसे टेक्नो का मोबाइल फ़ोन आ चुका है, मैंने उसकी रिव्यू डाली है, अभी आप देख लीजिएगा जाकर, टेक्नो वाले ने फ़ोन लॉन्च कर दिया, आप लोगों ने ले लिया एडवर्टीजमेंट को देखकर, अमेज़ॉन खूब धड़ल्ले से उसकी एडवर्टीजमेंट करेगा, उसे सेल करना है, कमीशन कमाना है, आपने ले लिया और आपके सर्विस सेंटर नहीं है आपके शहर में, फिर आप कहाँ जाओगे उसे बनवाने, लोकल शॉप पे। तो ऐसी गलती मत करिए, अगर आपके एरिया में, आपके नियर बाई सिटीज़ में भी है ना सर्विस सेंटर, देन आप परचेस कर लो धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सर्विस सेंटर है ही नहीं उस फ़ोन का, आप फिर भी ले लियो, कोई बैकअप प्लान नहीं है ख़राब होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कोई कितनी बड़ी कंपनीज हो ख़राब होती ही होती है, और किसी की किस्मत चमक रही है तो भाई नहीं ख़राब होगी, मेरी नहीं थी किस्मत सही, मेरी ख़राब हो गई, 50,000 का मोबाइल दो घंटे में डेड हो गया, नेवर एक्सपेक्टेड दैट। तब से आज तक रिफर्बिश मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ मैं, ब्रांड न्यू का पैसा दिया है 50,000 रुपया, लेकिन मैं रिफर्बिश मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब रिटर्न होता है, रिप्लेसमेंट होता है, तो नया फ़ोन वो लोग नहीं देते, वो आपको रिफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन देते हैं जिसकी 90 दिन की वारंटी और एक्सपेंड हो जाती है। मिला तो मुझे कुल मिला के 50,000 में रिफर्बिश फ़ोन, क्योंकि दो घंटे में ही डेड हो गया। तो वैसे चीज़ों में आप फंस जाओगे। अब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट घर आकर रिटर्न नहीं करती है, अगर ये सब इश्यूज़ होती हैं तो ये आपको कंपनी से जाकर बात करना है, किसी और से नहीं। अमेज़ॉन अगर आपका रिप्लेसमेंट नहीं करेगा ना, फिर आपका बनाएगा फ़ोन को, तो अगर आप ऐसी गलती करते हो तो फिर बाद में रोगे, डेफिनेटली रोने वाले हो। तीसरा जो बहुत ही मेजॉरिटीज़ का इश्यूज़ आता है कि आप फ़ोन की साइज़ को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हो कि भाई 7 इंच का फ़ोन है, डिस्प्ले बहुत बड़ा है, हम ले लें इसे, लेकिन हैंडी नहीं है वो, आप बाद में लेकर परेशान हो जाते हो, कहीं जाना है जींस पहन लो, जींस में रख ही नहीं पाओगे, बाइक ही नहीं चला पाओगे, क्योंकि वो इतना बड़ा एरिया कवर कर लेता है कि आप पैर सही से फोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को देख लो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है,
उसके हिसाब से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, नहीं तो फिर आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा और आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी यार। मेहनत के पैसे पैसे बहुत ही मेहनत से आ रहे हैं, तो आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो, सोच समझ के करो जहाँ आपको करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रवचन। अच्छा लगा हो तो प्रवचन पर लाइक शेयर कर लेना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, बुरा लगा तो भी बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि बुरे शब्द ना बोलूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियोज़ में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इंस्टाग्राम फेसबुक की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एज यूजुअल जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।